अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान खुर्रम मलिक। अच्छा ठीक है, ए बी मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम है महंगाई के हवाले से। महंगाई जिसने पाकिस्तानी आवाम का हशर कर दिया है, हर बंदा परेशान है और खास तौर पे वो लोग परेशान हैं जो स्मोकिंग करते थे। क्योंकि सिगरेट जो है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, जहाँ पे लोग गोली पीते थे वो कैप्टन पे आ गए हैं, जो कैप्टन पीते थे वो बेचारे रॉक्सी पे आ चुके हैं, और जो रॉक्सी के ऊपर थे उनका अंदाजा कर सकते कि वो कहाँ आ गए होंगे। तो हर दिन के साथ जो है इस मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, और अब आखिरी जो उन्हें कसर थी वो निकालती स्मोकर्स पे। तो हर स्मोकर जो परेशान है, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन, उन लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या हालात है। जी सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाजी की नाम? मेरा नाम चांद। अच्छा चांद साहब, यह दसो कि सिगरेट महंगा हो गया है। हाँ जी, सिगरेट महंगा हो गया साहब जी, की करिए। कोई परेशानी हुई जी? परेशानी मैं कहना, मैं जिते चार पीवी दे उथे एक भी नहीं लभदा। ओए होए होए होए, ते तो जुल्म है ना फिर। जुल्म मैं कहना भैन की करिए, तो हर महंगाई तो महंगाई है। जो सिगरेट सी से भी महंगे हो गए ने, हम दसो किहड़े पासे जाइए ते किन्नू कहिए ते किन्नू ना कहिए। अच्छा यह दसो, पहले तो बंदा किसी कहना यार सिगरेट पे तो पा दिंदा है, टोटे टोटे चुके पीते हैं, वेखो ना हुण टोटे 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 किए ने बनाया सिगरेट। एक सिगरेट कितनी बार पी लेंगे? एक सिगरेट? हां जी, एक सिगरेट वे वे कई जिन्ने पींदे नहीं। सदके जावा ते वेके वेके नु फिर जेबी च पा लेने, वेके नु फिर जेबी च पा लेने। बड़ी मेहरबानी यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। अच्छा भाजी मैनु ये दसो, अज दा मेरा प्रोग्राम है सिगरेट दे बारे नाल। अच्छा ठीक है, कि सिगरेट दी कीमतां बहुत वध गईयां ने, हर बंदा परेशान होया है, सिगरेट भी लुका लुका के रख रहा है। कई लोगों ने देखा उन्होंने सिगरेट दी डब्बियां बैंक अकाउंट च रखवातियां जे। सही गल है। ठीक है, तो तुसी दसो की कहोगे इस बारे च? भाई जान हुण डब्बे नहीं, हुण ते एक ही सिगरेट लईदा, तो ओ भी 30 तो 35 रुपए दा पैंदा। अच्छा जी, तो एक सिगरेट किन्नी बारी पी लैंदे हो? पण जिथे 3-4 पीने सा हुण एक ही पीवी दा। ओ भी किन्ने वारी जे भी दसो ना। एक सिगरेट नु को 600 वारी बजा के फिर लईदा पर। अच्छा जी, तबीयत। अच्छा यह दसो कि सिगरेट बड़ा महंगा हो गया है, ठीक है, तो पहले किन्ने सिगरेट पीते हो महंगा होने? पहले बड़ा केयर हो गया, बड़ा ही हो गया। नहीं पहले ज़्यादा पीते हो या हूँ महंगा होने बाद भी ज़्यादा ही पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हूँ एक अद्धा। हूँ एक अद्धा, तो पहले किन्ने पी लेंगे? सो पहले हुक्का कई पी लीदा। अच्छा, तो सिगरेट इन्ना महंगा हो गया तो कोई परेशानी नहीं हो रही? जी वो महंगाई से बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, वो बात नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे पहले वो एक डब्बी पीते थे वहाँ पर अब दो सिगरेट पीने पड़ रहे हैं, तो अब अंदाजा कर लें कि क्या हालात हो चुके हैं। एक गरीब आदमी जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, अब वो लग चुका हुआ एक चीज पे, वो पी रहा है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? भाई आप खुद भी स्मोकिंग करते हैं ना? नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि सिगरेट बहुत महंगे हो चुके हुए हैं, हर बंदा परेशान है। जो बंदा पहले एक डब्बी सिगरेट ही पीता था, अब वो बंदा 2-4 सिगरेटों पे आ गया, ठीक है, और वो 2-4 सिगरेट भी लोग बुझा के दोबारा फिर पीने में मजबूर हो गए। तो मुझे बताइए कारोबार में कोई असर पड़ा है?
सुनने में आ रहा है कि अभी डब्बी जो है वो 800 रुपए की होने वाली है, लेकिन लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे और अब डब्बी 800 रुपए की होने वाली है, तो ये क्या बनेगा? ये तो बड़ा मसला बन जाएगा ये। चले पीने वालों को छोड़ देना, अब जिन लोगों का कारोबार है इसीलिए वारदातें बढ़ती है सारा, इसकी वजह यही है। अभी हमारे पाकिस्तान में गुर्बत बच्चा बच्चा होता है, 13 साल का बच्चा होता है वो वारदात क्या करे, पूरी सारा कसूर से महंगाई का है। इसमें उस बच्चे का कसूर नहीं है, उस बच्चे का क्या कसूर है? हमारे हुक्मरानों का कसूर है जो ऊपर है, जिन्होंने देखना नहीं है नीचे। आपने बहुत मेहरबानी आपकी जी, शुक्रिया। हमने कुछ दुकानदारों से भी इस बारे में पूछा, सिगरेट पीने वाले लोगों से भी बात की, तो आपने सबके ख्याल सुन लिए कि बेचारे कितने परेशान हो चुके हैं यार, लेकिन हुकूमत को कोई ख्याल नहीं आ रहा। वो दिन ब दिन कीमतों को और ऊपर लेके जा रही है। अभी तो जब डब्बी 800 की, तो फिर देखिए क्या बनेगा। इसके साथ ही मैं खुर्रम मलिक, कैमरा मैन हैदर अली के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, उस टाइम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।